हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे 10 प्लस एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इनकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकोज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट्स किस बीमारी में यूज ली जाती हैं? यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सिप्लोक्स 500 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर सिप्रोफ्लोक्सोसिन 500 mg में आता है। ये टैबलेट यूरिन इन्फेक्शन, आँखों में इन्फेक्शन और शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर यूज ली जाती है। सेकंड बात करते हैं एगुमेंटिन 625 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर अमोक्सिलिन 500 mg और पोटेशियम कल्विनेट 125 mg में आता है। इस टैबलेट का उपयोग नाक कान में संक्रमण होने पर, गले व त्वचा में इन्फेक्शन होने पर, और सबसे ज़्यादा इस टैबलेट का यूज घाव को सुखाने और उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए यूज लिया जाता है। दोस्तों, अधिकतर एंटीबायोटिक टैबलेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज ली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिफ्फी 200 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर सिफेक्सिम 200 mg में आता है। ये टैबलेट मूत्र पथ में इन्फेक्शन होने पर, गले व टॉन्सिल्स में संक्रमण होने पर, और इसका सबसे ज़्यादा यूज टाइफाइड बुखार में किया जाता है। ये टैबलेट टाइफाइड बुखार में बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं लियोफ्लोक्स 500 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर लियोफ्लोक्सोसिन 500 mg में आता है। इस टैबलेट का यूज यूरिन इन्फेक्शन और निमोनिया होने पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेट्रोजिल 400 टैबलेट के बारे में। इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल 400 mg में आता है। ये टैबलेट पेट व आंतों में संक्रमण होने पर यूज ली जाती है। इस टैबलेट का उपयोग वेजाइना में इन्फेक्शन होने पर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं महाफ्लोक्स 400 टैबलेट के बारे में। इसके कंटेंट की बात की जाए तो इसके अंदर मोक्सीफ्लोक्सोसिन 400 mg में आता है। दोस्तों, ये टैबलेट त्वचा, लंग्स, फेफड़ों में संक्रमण होने पर और मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होने पर सबसे ज़्यादा यूज ली जाती है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं सेफाकाइन 500 टैबलेट के बारे में। इसके कंटेंट की बात की जाए तो इसके अंदर सेफुरोक्सिम 500 mg में आता है। दोस्तों, ये टैबलेट हैवी एंटीबायोटिक टैबलेट्स की श्रेणी में आती है। इसका यूज मूत्रपथ में संक्रमण होने पर, हड्डी व जोड़ों और त्वचा के उपचार के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेनफ्लोक्स ओजे टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का उपयोग मुख्यतः दस्त और पेट संबंधी बीमारियों में किया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ओफ्लोक्सोसिन 200 mg और ओरनिडाजोल 500 mg में का कॉम्बिनेशन आता है। इसके बाद बात करते हैं एजी 500 टैबलेट के बारे में। इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में आता है। ये टैबलेट नाक कान में संक्रमण होने पर और निमोनिया जैसी बीमारी में यूज ली जाती है। इस टैबलेट का उपयोग सर्दी जुकाम के लक्षणों में भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नोरफ्लोक्स 400 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर नोरफ्लोक्सोसिन 400 mg में आता है। इस टैबलेट का यूज यूरिन इन्फेक्शन और पेट में संक्रमण होने पर
किया जाता है। लास्ट बात करते हैं महासेव प्लस टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज ली जाती है। इसके अंदर सिफेक्सिम 200 mg और ओरफ्लोक्सोसिन 200 mg में आता है। दोस्तों ये टैबलेट नाक, कान, आंख और टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होने पर और यूरिन इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने अभी तक लगभग 11 एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जाना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कुछ भी या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।